संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त भरणाऱ्या कार्तिकी वारी सोहळ्यासाठी आळंदीत येणाऱ्या भाविकांना सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी पालिका प्रशासन आणि अन्य विभागात लगबग सुरू आहे. आळंदी पालिकेच्या वतीने सध्या राज्य तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या माध्यमातून शहरातील प्रमुख प्रदक्षिणा मार्गावर विद्युत दिवे नव्याने उभारण्याचे काम सुरू आहे. शौचालये, दर्शनबारी, घाट परिसर आणि शहराबाहेर ही उभी केली आहे. आळंदीतील चाकण चौक आणि एसटी बस स्थानक बहुमजली सुलभ शौचालय वारकऱ्यांसाठी सज्ज आहे. सोबतच पोलीस प्रशासन देखील सज्ज झाले असून जागोजागी CCTV यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. तर आळंदीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी हा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. कार्तिकी यात्रा या आळंदी की सबसे बड़ी यात्रा रहती है. पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र तथा बाहर के राज्यों से यहाँ करीबन 5 से 6 लाख यात्री वारकरी लोग आते हैं. उसी तरह से पुलिस और प्रशासन पूरी तैयारी में है, पूरे सज्ज है. इसमें बाहर से हमने जो बंदोबस्त मंगाया है उसमें 800 पुलिस कर्मचारी हैं, 200 करीबन पुलिस ऑफिसर है तथा SRPF के 2 प्लाटून हैं. NDRF के जो 2 प्लाटून हैं और BDDS जो उनकी जो 2 टीम है वो ही 24 घंटा पूरी देख रेख में रहेगी. उसके सिवा 250 CCTV कैमरे लगाए जाने वाले हैं. उसमें नगर पालिका के हैं, पुलिस के हैं और मंदिर का जो ट्रस्ट है उन्होंने ही लगाया है. इसी तरह ट्रैफिक में क्या बदलाव रहेगा सर? ट्रैफिक का बदलाव जो है पूरी यात्री वारकरी जो लोग आते हैं आळंदी में तो पूरा ट्रैफिक जो अंदर आने वाला है वो पूरा बंद किया जाता है. जो दिंडीकरी रहते हैं उनके जो वाहन रहते हैं उनको पास दिया जाता है, वही वाहन वो अंदर छोड़ दिए जाते हैं. और ट्रैफिक का बोलना रहेगा तो जो मरकड़ रोड है लोनिकन से जो मरकड़ की तरफ जो ट्रैफिक आती है पूना की तरफ तो धानोरे जो जंक्शन है TCS कंपनी का वहाँ से डाइवर्ट करके वो पूना की तरफ दिघी से उधर से पूना की तरफ जाता है. मीर भूमकर है, मैं चीफ ऑफिसर आळंदी म्युनिसिपल काउंसिल. कार्तिकी यात्रा 2019 की तैयारी नगर पालिका की अब तक लगातार फाइनल हो चुकी है. 3 मुख्य काम नगर पालिका करती है, स्वच्छता, पानी पुरवठा और आपत्ति व्यवस्थापन और लाइट व्यवस्था. इन चारों कामों के लिए नगर पालिका ने अपनी अपनी टीम और विविध प्रशासन आळंदी नगर पालिका को मदद करती है. वो सारी टीम अब सज्ज हो गई है और काम अंतिम टप्पे पे है.